सुनो भाई, आज शाम में हमने पार्टी रखी। अरे उसको क्या कहते हैं जो बिना बताए दिया जाता है, अचानक से हार्ट अटैक। ये लो, दिमाग से खाली हो क्या जी? हम यहाँ पार्टी की बात कर रहे हैं, इसको हार्ट अटैक सोचना। अरे मम्मी जी, सरप्राइज पार्टी। हाँ बिल्कुल सही, सरप्राइज पार्टी आज हम दे रहे हैं। किस खुशी में मम्मी जी? तुम्हारे पापा जी का जन्मदिन है। आज पापा जी का बर्थडे? पापा जी का बर्थडे? ऐसे कैसे? लेकिन पापा जी का बर्थडे तो जून में आता है ना? पापा जी तो बर्थडे सेलिब्रेट करते भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा बाबू, माँ जी और बाबू जी सब अम्मा के लिए करना चाहिए। अब जरा देखिए ना, कितने सालों के बाद अम्मा अपने बेटे के साथ इस घर में रहे, तो इससे अच्छा और काम हो सकता है जन्मदिन मनाने का? ये तो हो सकता है ना भाई, इस उत्सव के माहौल को देखकर अम्मा की तबीयत में थोड़ा सुधार भी आ जाए। अरे बड़े अचानक से ये पार्टी। विक्रम भैया, हमने बाबू जी को बहुत अच्छे से बुला किया, इसलिए अब और कोई सवाल जवाब मत कीजिए। बिंदिया इज राइट, चुप रहो बेटा। एक तो वैसे ही इस घर में जब देखो सस्पेंस थ्रिलर हॉरर शो और पता नहीं सैड सॉन्ग चल रहा है, अब इतनी मुश्किल से पार्टी करने का चांस मिला है तो तुम क्यों सवाल जवाब कर रहे हो? और हाँ कृष्णा, हमारी एक शर्त याद रखना, इस पार्टी में तुम और बिंदिया जो हो ना, एक परफॉर्मेंस दे। क्यों? बिंदिया नहीं करेगी कृष्णा, हम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अम्मा को बिंदिया बहुरिया करती है, तुमने इसीलिए तो कृष्णा और बिंदिया को कभी वो राज कपूर नरगिस बुलाती है तो कभी देवानंद को कहते रहो। अम्मा तो बड़ी फिल्मी है कृष, ऑल द बेस्ट, अपना किरदार ना अच्छे से निभाना। वो क्या है ना, अम्मा तुम दोनों को सुपर हिट जोड़ी से कंपेयर करती है, तो हमारी नाक मत कटवा देना। अरे तो परफॉर्मेंस देने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, पापा की चाहत, इनफैक्ट उनका बर्थडे विश है, प्लीज हमें परफॉर्म करने दो। फाइन, क्रिश के घर में रखी गई क्लासिकल पार्टी जहां पे क्रिश और बिंदिया दोनों साथ में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो सुहागन की, जहां ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। जी हां, सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि क्रिश के घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी गई है जहां पे क्रिश और बिंदिया दोनों साथ में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। क्रिश और बिंदिया का एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है, दोनों साथ में डांस करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में जुट गए हैं क्रिश और बिंदिया। वहीं पार्टी की तैयारियों में जुटा हुआ पूरा परिवार नजर आ रहा है, सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं और इस पार्टी का आइडिया कहीं ना कहीं बिंदिया का है। बिंदिया इस पार्टी के जरिए दादी को कुछ याद दिलाना चाहती है। इस पार्टी का थीम भी बहुत ही ज्यादा क्लासिक है, जहां पे बिंदिया और क्रिश दोनों साथ में रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और इस डांस परफॉर्मेंस के बीच में बिंदिया और क्रिश के बीच की नजदीकियां बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, दोनों का काफी रोमांटिक सीन देखा जाता है। बिंदिया क्रिश के बाहों में खोती जा रही है और कहीं ना कहीं क्रिश को भी बिंदिया के प्यार का एहसास हो रहा है। वहीं पे बिंदिया और क्रिश की बढ़ती नजदीकियों से पायल बहुत ही ज्यादा परेशान और जेलस होते हुए नजर आ रही है। वेल, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ही दादी को ठीक करने का बिंदिया का ये प्लान होगा सक्सेसफुल। वेल, क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।